से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डेफिनेटली एक्चुअली मुझे लगता है कि लास्ट 6 महीने के बाद टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद एक प्रैक्टिस गेम खेलने मिला है, बिकॉज मैं इंडिया के लिए भी आया था तो आई प्लेड अ 1 गेम, सो विकेट इज नॉट टू मच डिफरेंट एक्चुअली, सो बोथ विकेट इज काइंड ऑफ सेम विकेट, सो बहुत स्लो था बट एक्चुअली एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि आपको विकेट कोई मिले तो बिकॉज यू नो दैट कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आपको एक अपना रिदम सेट करना है और अपना लाइन और लेंथ की आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है आने वाले मैच में, तो डेफिनेटली मैंने भी वही कोशिश की है कि मेरा रिदम अच्छा रहे और मुझे पता, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो बॉलिंग मुझे मैच में करनी है मैं उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करूँ। नॉट रियली 6 मंथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद आके मैं रणजी ट्रॉफी विनर भी रहे हम लोग, सो बट आफ्टर दैट आई केम एंड जस्ट प्लेड आईपीएल के बाद काफी टू हाफ मंथ चला गया वेस्ट, बट एक्चुअली उसके बीच में मैंने थोड़ा अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, बिकॉज जो भी फॉर्म है जो भी मैंने सोचा अपने आप को टाइम दिया कि हाँ जो भी मैंने गलतियाँ की उस पर काम करता हूँ, अपना रिदम वापस लाता हूँ, और उसके हिसाब से मैंने अपना माइंड सेट प्रिपेयर किया और उसके बाद मैंने काम करना चालू किया, तो उस बीच में मैंने काफ़ी ट्रेनिंग और अपने बॉलिंग ड्रिल्स किए हैं जो भी मुझे लगा था कि जो मेरा प्रॉब्लम है सो उसको क्लियर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ऑफ टाइम चाहिए और ऑफ टाइम के बाद ही आप प्रॉपर माइंड सेट बना सकते हो कि आप मुझे क्या करना है। जस्ट डेढ़ बिट, क्योंकि आपको पता है कि जब आप बॉलिंग कर रहे हैं थोड़ा बहुत बॉल इधर आगे पीछे हो रहा है लेंथ, जो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत सारे फास्ट बॉलर के साथ होता है कंटिन्यू खेलने के बाद, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो लाइन और लेंथ है थोड़ा सा आप हो जाता है कि कभी सेटल नहीं होता है कि हाँ कभी ऊपर गिर रहा है कभी नीचे गिर, तो मैंने उस पर थोड़ा काम किया अपने आपको थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद मैं जस्ट थिंक अबाउट कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, जस्ट आई वर्क इट आउट। एक्चुअली आई एम जस्ट वेंट टू माई अकेडमी विदर्भा एंड जस्ट आई मेट माई अकेडमी कोच सुब्रतो बैनर्जी, सो आई जस्ट वर्क विथ हिम लिटिल बिट एंड देन जस्ट कि हाँ कि आप देखो क्या लग रहा है आपको, सो आई जस्ट गॉट अ थॉट लाइक फ्रॉम हिम, सो इज वेरी पॉजिटिव अबाउट मी, सो आई जस्ट कि हाँ मुझे थोड़ा वही चाहिए था कि जो आप एक होता है कि पॉजिटिविटी अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली वी नो दैट कि हाँ बेटर हुआ, तो ऑब्वियसली वो चीज़ काम आई। उसके बाद आके फिर जो भी है ने बैट्समैन से अपने सपोर्ट स्टाफ से आके मैंने बात की तो दे ऑल्सो फील लाइक कि जो भी कर रहा है यू लुकिंग बेटर, सो या डेफिनेटली वर्क फॉर मी। ये जो हेल्दी कंपटीशन है फास्ट बॉलिंग यूनिट पे, जैसे आप हो, शमी है, अमित सैनी भी अभी इस टीम में बैटल के तहत रखा गया है, एंड हार्दिक विल ऑल्सो टीम इज दैट हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द फास्ट बॉलर्स। डेफिनेटली, क्योंकि जब आप को पता है कि आप कंटिन्यू बैक टू बैक इतने सारे टेस्ट मैचेस खेलने वाले हो तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ भी वैसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए लाइक अच्छा कंपटीशन है सारे फास्ट बॉलरों को, क्योंकि सबको पता है सबको चांस मिलने वाला है और जो डेफिनेटली जो अच्छा करेगा वो आगे खेलेगा, सो हमारा थिंकिंग वही है अपने आप को और बेटर करने की कोशिश है कि जो जितना बेटर होगा और वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम उस फ्रेम ऑफ माइंड से सोचेंगे तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हम अपने आप को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो टीम के लिए भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास अगर हेल्दी कंपटीशन है एज अ फास्ट बॉलिंग यूनिट में तो इज मोर लाइक एक्साइटिंग, आप अपने आप उस चीज़ को और चैलेंज की तरह लेते हो और अपने आप पे और अपनी बॉलिंग को और फोकस करते हो। और जैसे आपने कहा कि आपने शुभू भाई के साथ टाइम बिताया, व्हाट इज सो एनी स्पेसिफिक थिंग दैट यू हैव वर्क्ड अपॉन योर बॉलिंग? एज अ फास्ट बॉलर जब आप इतने साल खेल लेते हो इतना कुछ होता नहीं है, मुझे लगता है कि जस्ट आपका माइंडसेट होता है, आपका फोकस लेवल होता है कि आप क्या सोच रहे हो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है सब कुछ सही होता है पर आपका दिमाग कहीं और होता है, क्योंकि बिकॉज आपके माइंड में कुछ ऐसा निगेटिव थॉट आ जाता है कि नहीं हो रहा है, तो बस वो चीज निकालनी जरूरी होती है, तो मुझे लगता है कि वो स्पेस ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक गेम के बाद अगर आप बैठो सोचो थोड़ा अपने आपको टाइम दो और अपना जो भी है जिसको वॉट एवर आप जिनसे भी कंफर्टेबल हो कोच हो जो भी हो जिनसे बात करना चाहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने घर जाके यही किया, मैंने अपने आपको टाइम दिया, मैंने उनसे बात की एंड आई एम जस्ट क्लियर माय थॉट्स कि हाँ व्हाट इज गुड फॉर मी बेसिकली मेंटल क्लैरिटी। या ऑब्वियसली अभी 3 विकेट आपने फर्स्ट इनिंग्स में लिया, गोइंग इनटू द टेस्ट मैच आपको गुड कॉन्फिडेंस? डेफिनेटली, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया मुझे जो चाहिए था मुझे लग रहा है कि मैंने वैसा बॉल डाला है, क्योंकि
एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कोशिश यही की कि जिस एरिया में मुझे बॉल डालनी है तो मैंने उस एरियाज पे फोकस किया है और उस हिसाब से मैंने अपना लाइक एक माइंडसेट बनाया था कि मुझे कुछ भी करना है बट मुझे मेरा ये एरिया है, जितने ओवर डॉट डालूंगा डॉट बॉल डालने, तो वो मैंने जो सोच के आया था मैंने वैसा किया है। थैंक यू।